गुड मॉर्निंग बच्चों, बी आर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हमें पढ़ना है विटामिन एवं खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, यानी विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखो, आपको एक तरफ दिखा रखा है खनिज या फिर विटामिन, दूसरी तरफ आपको दिखा रखा है कि इनकी कमी से रोग कौन सा होता है, एक तरफ आपको दिखा रखा है लक्षण। तो देखो विटामिन ए, तो देखो विटामिन ए की कमी से है वो दिखने में कमी यानी क्षीणता दृष्टिहीनता आ जाती है। अब देखो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो देखो कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, यानी ये विटामिन ई ए के है वो लक्षण है, यानी पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है या फिर कभी कभार दिखना बंद हो जाता है या फिर अंधेरी रात में दिखना बंद हो जाता है, यानी दिखने में कमी आ जाती है विटामिन ए की कमी से। अब देखो विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से देखो बेरी बेरी रोग हो जाता है। देखो इसके लक्षण, देखो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी दुर्बल पेशियां हो जाती है, यानी कमजोर है वो पेशियां हो जाती है और उनके काम करने में ऊर्जा की कमी हो जाती है। अब देखो विटामिन सी, तो देखो विटामिन सी की कमी से वो सक्रिय रोग हो जाता है। तो देखो इसके लक्षण, देखो अब आप कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये इसके है वो लक्षण है, यानी मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी, अब देखो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। तो देखो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़े जाना, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़े जाना। अब देखो आगे, देखो कैल्शियम की कमी से, देखो कैल्शियम की कमी से वो अस्थियां और दंत छे, यानी आपके वो दांत वो गिरने लग जाते हैं, यानी तो देखो इसके लक्षण भी यही है कि कमजोर है वो अस्थियां हो जाती है और इसके दंत छे होने लगता है, यानी दांतों की क्षति होने लग जाती है। अब देखो आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से आपको पता है कि गेंगा या फिर गोइटर रोग हो जाता है। लक्षण देखो, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों के मानसिक विकलांगता, यानी गर्दन की वो ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों के मानसिक विकलांगता आ जाती है। अब देखो लोह है, तो लोह की कमी से अरक्तता यानी है वो कमजोरी इसके कारण आने लगती है, यानी खून की या फिर ब्लड की वो कमी होने लगती है, ये इसके है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग उनके लक्षण। और भाई इन सब रोगों से बचने के लिए हमें इन चीजों की पूर्ति होना जरूरी है, यानी विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, कैल्शियम है, आयोडीन है, लोह है, इन सब चीजों की पूर्ति अब हमारे शरीर के अंदर होना आवश्यक है, तभी इन चीजों से बचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।